अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस, और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान के बबुनिया रोड में। यह सड़क स्टेशन की तरफ जाती है। हमारे सहयोगी जो आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, आप देख सकते हैं यह सड़क स्टेशन की तरफ जाता है और यह सड़क जो है कि बबुनिया रोड की तरफ जाती है। और यहाँ से जो भी ऑटो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे वो दाहिने की तरफ, दाहिने के सड़क की तरफ जा रहे हैं वो लोग, और इसके वजह से आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ पे आप हमारे कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं, पानी लगा हुआ है, सड़क में गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे बचने के लिए ऑटो चालक अपने गलत रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। जी, आपका नाम क्या है? शहर अख्तर। बहुत पानी लग जा रहा है, सब गाड़ी रॉन्ग साइड में जाता है, कभी बनता नहीं है, बस आता है लो राबी डाल के चला जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत है और कोई रोड पे से पानी पास नहीं होता है अंदर नाला में, और नाला भी रोड से ऊंचा है। तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने अपने स्थानीय प्रशासन से, प्रशासन को लिखित रूप से आवेदन दिया सड़क को बनवाने वगैरह के लिए? 3-4 बार आवेदन दिया गया है, वार्ड कमिश्नर से भी बोला गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, ना कोई कार्रवाई होता है। कौन है आपके वार्ड पार्षद? सुकट मंसूर आलम, रानी किला। क्या कहते हैं जब उनसे आप लोग कहते हैं? वो बोले हैं कि काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या है समस्या और क्यों आए दिन यहाँ पे वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? अकबर हुसैन। जो बताइए, किस तरह से यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं? आप लोग यहाँ पे हैं, दुकानदार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो घटना होने का मुख्य कारण है कि नाली सारा ऊपर है, रोड है नीचे, और रोड जो है यहाँ पानी जो लगने की वजह बार बार बनता है रोड, और फिर पानी थोड़ा बहुत भी और लगता है तो धस जाता है, धसने वजह से पानी लग जाता है, गड्ढा वड्ढा हो जाता है। हमारे सामने 3-4 टेम्पो वगैरह पलटी मार दिया, अब लोगों निकाले, हम लोग इलाज करा कर भिजवा दिए कि भाई जाइए, क्या कर सकते हैं, हम लोग मजबूर हैं। प्रशासन से लेकर जो नगरपालिका है, जनप्रतिनिधि है, सब लोग को व्यस्त है अपने अपने काम में। मांग क्या करेंगे आप? मांग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आप काम कराइए, अच्छे से काम कराइए, अभी निकाय चुनाव है, इसमें आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए। अपने सहयोगी से हम बोलेंगे कि जरा वो दिखाएं किस तरह से यहाँ सड़क पे पानी लगा हुआ है और सड़क पे जो कि ईंट डाल करके गड्ढे को भरने का प्रयास किया गया, और यह जिम्मी सेल्स के पास है, जिम्मी सेल्स के ठीक सामने कई गड्ढे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कूल के बस भी जा रही है, कैसे वो गड्ढे से अपने को बचा के गाड़ी लेके पास कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं, इनसे हम जानते हैं कि आज जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की दुर्घटना हुई थी? आज सुबह में जो दुर्घटना हुई है वो मेरे आँख के सामने हुई है, उससे यही मैं देख रहा हूँ कि कल को अगर मेरे घर में अगर इस तरह का घटना हो जाए तो मैं पहले तैयार रहूँगा। इसलिए मैं चाहूँगा ट्रैफिक पुलिस से कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, जो रॉन्ग साइड से जो भी लोग आ रहे हैं उसको क्लियर करें, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से जा रहा है और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहा है वो रॉन्ग साइड से आने की वजह से हो रहा है, और ये जो रोड है इसको लोग इग्नोर करके चल जा रहे हैं। लेकिन इसको बिहार कितने दिनों से खराब है यहाँ की रोड? लगभग 6 महीने करीब में हो रहा है इसको। अभी आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि ईंट डालकर इसको भरा गया है, क्या लग रहा है कि ईंट डाल के भरने से यह समस्या जो है कि खत्म हो जाएगा? नहीं, ये समस्या पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, इसको यहाँ के जो प्रशासन है उसको ध्यान देना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल रफ इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जो रोड बन रहा है बिल्कुल रद्दी बन रहा है, जो कुछ बरसात हो रही है उसमें वो सब बर्बाद हो जा रहा है। तो मेरे प्रशासन से निवेदन है कि जो भी ये कह रहे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके पर है ध्यान दें। चलिए, तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार जिन्होंने अपनी समस्या को बताया कैसे यहाँ पे 6 महीने से सड़क खराब है, लेकिन कोई भी स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आए दिन यहाँ पे टेम्पू चालक जो भी गुजर रहे हैं वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और उधर से जो भी सामने से गाड़ी आती है उसमें लड़ने का चांस ज़्यादातर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
तो लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से मांग किया है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला प्रशासन है, इस ओर ध्यान दें, क्योंकि यह सिवान शहर का मुख्य मार्ग है बबनिया रोड और स्टेशन जाने के लिए। कैमरा पर्सन राज के साथ परवेज अली। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।